क्या चल रहा है? ये सर ये हमारे चीफ पैटर्न भी है, हर स्पोर्ट्समैन का विशेष योगदान रहता है। तो इससे पहले हम लोकल लेवल पे तो टूर्नामेंट करवाते थे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये फर्स्ट टाइम हुआ सर। इसमें 32 टीमों ने पार्टिसिपेट किया सिंगल में, जो ओपन था हमारा। 32 इंडिविजुअल्स ने, 8 टीमें डबल की थी सर और 6 टीमें बैटिंग की थी सर। हमारे 3 इवेंट्स का करवाए हमने, और अगली बार हम चाहते हैं थोड़ा अच्छा जो है। उसके लिए सर अवेलेबिलिटी ऑफ टेबल्स का थोड़ा सा इशूज रहता है, क्योंकि हमारा ये जो टेबल है काफ़ी ओल्ड टेबल है सर, 150 साल पुराना है सर। इसकी थोड़ा सी जो स्लेट्स हैं थोड़े से ब्रेक हो चुके हैं, तो ये अभी हम चाह रहे हैं 20 साल हम इसको भी ठीक कराएं, और काफ़ी अच्छा नेक्स्ट ईयर टूर्नामेंट करवाएँ सर। बाकी लड़कों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया सर, जिसमें रनर अप रहे हैं ऋषभ मेहता। इसमें प्रीलिम का हाईएस्ट ब्रेक भी है, डबल में विनर है। इसमें लास्ट कैटेगरी वेटरन, विनर रजत बाली। मेले में जो स्पोर्ट्स सब कमेटी है हमारे, उसके कन्वीनर एसपी चंबा द्वारा, उनकी समस्त टीम द्वारा, जो हमारी यहाँ की सोसाइटी है, एसोसिएशन है, उनके द्वारा पहल इस बार की गई है कि मिंजर में पहली बार बिलियर्ड्स और स्नूकर टूर्नामेंट हुआ है। बहुत शानदार प्रदर्शन किया गया है, बहुत टीम्स ने, स्पोर्ट्समैन ने पार्टिसिपेट किया है, और कुछ और बहुत उम्दा प्रदर्शन भी किया है। मेरी सारी विजेताओं को बहुत बहुत बधाई, और एसोसिएशन को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ऐसे ही इस स्पोर्ट को भी प्रमोट करेंगे, ताकि आने वाले समय में यहाँ से अच्छे खिलाड़ी भी निकल सकें। फर्स्ट टाइम था, थोड़ा हमें भी नया नया एक्सपीरियंस था, तो जैसे हमने कोशिश की है, अभी डी साहब के पास बड़े शॉर्ट नोटिस पे बुलाया गया था उन्हें, अभी हमारे स्पीकर साहब चंबा पहुंच गया, इस वजह से उन्हें जल्दी जाना पड़ा। तो अब हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारे चीफ पैटर्न और हमारे बिलियर्ड क्लब और स्नूकर का, जो उन्होंने परमिशन भी दिलाई है और खेलने के लिए भी हमें यहाँ मौका दिया, मेजर एस सी नैयर से, कि वह हमारे ऑफिसर्स को मोमेंटो दे के उन्हें सम्मानित करें, क्योंकि ऑफिसर्स का रोल जो है स्नूकर जो ऑफिसर्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि उनके बगैर पॉसिबल नहीं है कि हम कोई भी चैंपियनशिप करा पाए, क्योंकि जब तक हमारे पास टीम वर्क ना होगा तो हम कुछ भी अकेले नहीं करवा पाते। और इस बार बड़ी अच्छी 32 टीमों ने भाग लिया हमारे पास सिंगल में, और 8 टीमें हमारे डबल में थी और 6 टीमें वेटरन्स में पार्टिसिपेट की हैं। तो हम चाहेंगे कि नेक्स्ट इसको इसका स्तर कुछ और भी लेके जाए। अभी मेरी हिमाचल के जो एसोसिएशन है उनसे मेरी बात हुई है, तो डॉक्टर राणा जी हैं जो सेक्रेटरी हैं हिमाचल के बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन के, उन्होंने ये कहा कि बड़ी जल्दी अक्टूबर या नवंबर में शायद स्टेट हो रहे हैं। तो हमारे जो विनर है यहाँ पे, अभी हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चंबा डिस्ट्रिक्ट के बैनर के नीचे से, क्योंकि आजकल हर चीज़ ऑनलाइन है, डिस्ट्रिक्ट से स्पॉन्सर होकर जाएंगे स्टेट में, स्टेट से स्पॉन्सर होकर जाएंगे नेशनल में, ठीक है। तो हमारा उनके साथ बड़ी जल्दी में चंबा भी आ रहे हैं, मैंने इनवाइट किया प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी जो स्नूकर एसोसिएशन के हैं, वे चंबा आ रहे हैं। उसके बाद हमारा जो अभी नेशनल हुआ है वह गोवा में हुआ है, वो पिछला हुआ है, उससे पहले जो डिस्ट्रिक्ट स्टेट हुई थी वह सुंदरनगर में हुई थी। तो अभी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे कि अवेलेबिलिटी, अगर वे कह रहे हैं कि आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ टेबल्स हैं और प्लेस चंबा भी सेट हो सकती है, कोई इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो हमारी कोशिश जारी रहेगी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये हिसाब से कि काइंडली हमारे ऑफिसर्स को प्राइज देके सम्मानित करें। इन्होंने हमारे टूर्नामेंट में काफी सपोर्ट किया, काफी हेल्प की है। राहुल चौना, दिलीप कुमार,
और बड़े खुशी की बात है कि ये टूर्नामेंट आगाज शुरू हो गया है। और जैसा आपको पता है बड़े रजत बाली विकास जी अपनी इस पे इंटरेस्ट ले रहे हैं, शक्ति जी हैं, और जिस तरह इन्होंने बताया कि अभी रिसेंटली वो ये डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप करा रहे हैं, यहाँ से जो प्लेयर निकलेगा वो नेचुरली हिमाचल को रिप्रेजेंट नहीं हिमाचल बाहर नेशनल जाएगा। और इन्होंने यही बताया है कि साइज हो सकता है हम भी कोशिश करेंगे क्योंकि हमारे पास टेबल काफ़ी है, तो हम भी कोशिश करेंगे अगर हमारी कुछ बात भी हम भी कहेंगे कि भाई जो टेबल ना इसकी जो चैंपियनशिप है स्नूकर की चंबा में हो तो हमारा सारा विक्की के साथ पूरा विकास जी के साथ पूरा सहयोग होगा। हम आपके बहुत आभारी हैं, आई एम सॉरी कि डी साहब आप ज़्यादा टाइम नहीं दे सके, मैं बड़ी मुश्किल है क्योंकि जो स्पीकर साहब थे उन्होंने शाम को आना था, लेकिन अभी मैसेज आ गया कि वो टूर्न पत्री के यहाँ से टाइट से क्रॉस कर गए, तो फिर ये दौड़ना पड़ा। फिर मैंने कहा सर प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी 2 मिनट ही लीजिए, मैं मान के बोले अच्छा मैं चल पड़ता हूँ। तो आई एम सॉरी ही कुड नॉट गिव यू मोर टाइम, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ विक्की को भी कि जो भी हमारे पास कोऑपरेशन होगी हम इसके लिए देंगे। धन्यवाद।